खैबर पख्तूनख्वा में कांगो वायरस के वार जारी हैं। 6 मुतासरा अफराद में से 2 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। दीगर तफसीलात हमें देंगे काशान अवान, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। काशान अवान, आगाह कीजिएगा, अब मजीद कितने अफराद के कांगो वायरस से मुतासर होने की इतलात आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखें अब तक की इतलात के मुताबिक ये महकमा पब्लिक हेल्थ है जिनकी रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 6 अफराद में कांगो वायरस की तस्दीक हुई थी और डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर रिशाद के मुताबिक इसके अलावा भी 2 ऐसे केसेस हैं जो अभी तक उनकी तस्दीक नहीं हुई कांगो की। ये जो 6 अफराद हैं ये पेशावर के बल्कि सूबे के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं जिनमें से 2 का इंतकाल भी अब तक हो चुका है। बाकी जो 3 पेशेंट्स हैं वो पेशावर के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं जबकि 1 सेहतियाब हो चुका है। और मरने वाले जो अफराद हैं उनमें से 1 का ताल्लुक अफगानिस्तान जबकि दूसरे का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला से। ये बताइएगा कि कांगो वायरस के हवाले से मजीद आगाही के लिए लोगों में क्या इस हवाले से अवेयरनेस प्रोग्राम का भी इनेकाद किया जा रहा है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि बड़ी ईद से पहले ही इस हवाले से अलर्ट तो जारी कर दिया गया था और कांगो पेशेंट्स भी सामने आ रहे थे, इकदाम क्या हुए फिर? जी बिल्कुल, ऐसा ही है, जो महकमा सेहत है वो इस हवाले से इकदाम उठा रहा है, मुख्तलिफ स्प्रेज भी किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो पेशावर के जो बड़े अस्पताल हैं जो सूबे के DHQs हैं वहां पर कांगो के लिए वार्ड्स भी मुख्तस कर दिए गए हैं और आगाही के सेशन भी जो हैं वो गाये बकाये किए जा रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया काशान अवान।